हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू ड्रोन डॉक्टर वंस अगेन। तो आज वीडियो है ड्रोन्स का। ड्रोन लवर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बेसिकली जैसे आपने टाइटल पढ़ लिया होगा कि DJI के ड्रोन्स अब होने वाले हैं महंगे। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या रीज़न है, और ये एक नए रूल की वजह से होने वाला है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ, आपको पूरी डिटेल बताऊँगा क्या होने वाला है, क्या अनाउंस हुआ है। बाहर अमेरिका की बात है, तो बेसिकली जब बाहर कुछ होता है तो ऑल ओवर इम्पैक्ट पड़ता है। DJI को बहुत बड़ा झटका लगा है ये सुनने के बाद, रूल जो नया बनाया है। किसने बनाया है? FAA ने, क्योंकि चाइना में की कंपनी है DJI, बादशाह है वो, बादशाह एक तरह से ड्रोन इंडस्ट्री की। और मैक्सिमम इनकी सेल अगर देखी जाए स्टैट्स में तो अमेरिका में होती है। अमेरिका में ड्रोन लवर्स बहुत हैं और बाकी जगह भी है, पर अमेरिका ने एक रूलिंग निकाली है, एक नया रूल निकाला है। जैसे यहाँ पर DGCA है, वहाँ पर आपका है FAA। उन्होंने एक अनाउंस किया रिमोट ID रूल, जिसके तहत ड्रोन्स को अगर वो इम्प्लीमेंट करने पड़ गए, जैसे कि अमेरिका बहुत सख्त है रूल्स को लेकर, तो इम्प्लीमेंट तो करने ही पड़ेंगे। तो वो जब अगर उसमें इम्प्लीमेंट हो गया तो ड्रोन के दाम जो हैं बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी महंगी है और वो इम्प्लीमेंट करने से ड्रोन महंगे होंगे डेफिनेटली। तो किस बारे में बात कर रहा हूँ, रिमोट ID के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि अभी एक लॉ बनने वाला है अमेरिका में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपको पूरा डिटेल बताएंगे। ड्रोन लवर्स जरूर देखें वीडियो, आपके लिए काम। बेसिकली हो क्या रहा है, व्हाट इज रिमोट ID? रिमोट ID एक टेक्नोलॉजी है ड्रोन्स में, अमेरिका कह रहा है इम्प्लीमेंट की जाए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ड्रोन्स को उड़ाने के लिए सम एथिक्स होते हैं। आपको किसी की प्राइवेसी को हर्ट नहीं करना है, आपको पब्लिक प्लेसेस पे नहीं उड़ाना अगर आप अनएक्सपीरियंस हो, या ऐसी जगह पे नहीं उड़ाना जहाँ पर अलाउड नहीं है। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए रात को ड्रोन नहीं उड़ाना चाहिए वैसे। तो इन चीज़ों को देखते हुए अमेरिका में भी काफ़ी ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजिकल ऑप्शन देते हुए रूल निकाला है रिमोट ID का। अब वो कह रहे हैं कि सभी ड्रोन्स जो 249 ग्राम से ऊपर हैं, मिनी बच गया तभी ये रूलिंग है, मतलब जो अच्छे लेवल के ड्रोन्स हैं, जैसे हमारे पास हो गया DJI Mavic 2 Pro, मतलब 249 ग्राम से जो ऊपर हैं उनमें अमेरिका कह रहा है कि आपको लगाना पड़ेगा रिमोट ID टेक्नोलॉजी। आप वो कह रहे हैं या तो कोई आप पुर्जा अलग से बनाएं, सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, या तो कोई और मतलब गैजेट अपने ड्रोन्स में DJI जैसे वो लगाए अपने ड्रोन्स में, ताकि उसमें ये कैपेबिलिटी आ जाए ड्रोन्स में, या अपने अंदर ड्रोन के अंदर ही सर्किट में कुछ वो ऐसा चेंजेस करें या इम्प्लीमेंट करें जो कि अलाउ करें उनका रिमोट ID एस्टेब्लिश करने में। और रिमोट ID क्या है? रिमोट ID से ये होगा कि अगर ड्रोन के अंदर रिमोट ID है तो जब वो ड्रोन उड़ रहा है तो किसी को भी पता लग सकता है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो एजेंसी है जो वहाँ कंट्रोल करती है एयरक्राफ्ट वगैरह को। तो तीन वेज हैं रिमोटली ड्रोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। पर्पज़ क्या है और कर क्यों रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं ताकि सेफ्टी के लिए, ताकि पता लगे कौन ड्रोन उड़ा रहा है, कहाँ से ड्रोन आ रहा है, कौन है उसका मालिक, जो रात को उड़ा रहे हैं कौन उड़ा रहा है, अगर बहुत दूर चला गया ड्रोन तब भी उसको पता लगा सकें विदाउट एनी वो, जो हमारी जो टेक्नोलॉजी अभी शुरू भी नहीं हुई कि हम नंबर प्लेट लगा देंगे फिर से पता लग गया, वो सब छोड़ छाड़ के सीधा रिमोट से ही, मतलब रिमोटली दूर से ही बैठे हमें पता लग जाए कि वो ड्रोन उड़ रहा है, वो ड्रोन किसका है, कौन उसका मालिक है, और वो सही टाइम पर उड़ा रहा है कि नहीं उड़ा रहा, अगर नहीं उड़ा रहा सही जगह पे नहीं उड़ा रहा तो उसको पकड़ा जाए या जो भी किया जाए, तो वो सब इन्फॉर्मेशन रिमोटली ले सके वाइल ड्रोन इज फ्लाइंग इन द एयर। तो इसके लिए उन्होंने तीन तरीके के लिए रूल बनाया है। पहला तरीका है स्टैंडर्ड रिमोट आइडेंटिफिकेशन ड्रोन। स्टैंडर्ड मतलब वो कह रहे हैं कि आपके ड्रोन में ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक कि वो ब्रॉडकास्ट कर सके। ब्रॉडकास्ट का मतलब है रेडियो फ्रिक्वेंसी पे, जैसे हम रेडियो पे स्टेशन लगाते हैं कोई रेडिएशन ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो स्टेशन लगा के हमें पता लग जाता है, तो ऐसा कुछ सिस्टम कि ड्रोन की इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो जाए कि ये ड्रोन अगर उड़ रहा है तो रेडियो फ्रिक्वेंसी, जैसे हम रेडियो हमारे पास है ट्रांसमिशन चल रहा है तो उसके ऊपर हमें पता लग जाए अगर हम चाहें कि वो ब्रॉडकास्ट करता हुआ ये ड्रोन कि ये इनका ड्रोन है, सारी इन्फॉर्मेशन उससे मिल जाए, और ये यहाँ से उड़ा है, यहाँ से टेक ऑफ किए हैं, सब कुछ पता लग जाए। तो स्टैंडर्ड वाले में दो ऑप्शन होने चाहिए, एक तो वो ब्रॉडकास्ट करे ड्रोन को, दूसरा वो ड्रोन थ्रू इंटरनेट रिमोट सर्विस सेंटर बनाए जाएंगे जिस पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी सभी ड्रोन्स की, तो वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होंगे। तो दूसरा ऑप्शन मतलब इसी मेथड में
दो चीज़ें ड्रोन करेगा, एक तो ब्रॉडकास्ट करेगा ताकि रेडियो फ्रिक्वेंसी पे पता लग सके, दूसरा वो इंटरनेट के ज़रिए उस स्टेशन पे इंफॉर्मेशन देगा कि ये ड्रोन किसका है। तो ये जो सिस्टम है इसको कहा जाएगा स्टैंडर्ड रिमोट आइडेंटिफिकेशन। इसके बाद दूसरा सिस्टम है जिसमें लिमिटेड रिमोट आइडेंटिफिकेशन है। उसमें क्या डिफरेंस होगा, उसमें डिफरेंस ये होगा, दूसरे तरीके में आपको ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा ड्रोन, ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा ड्रोन, सिर्फ इंटरनेट के ज़रिए रिमोट आइडेंटिफिकेशन जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलेगी थ्रू इंटरनेट, जो कि ड्रोन ट्रांसमिट करेगा थ्रू इंटरनेट कि ये इसका मालिक है, यहाँ से ये टेक ऑफ हुआ है, सारी रिमोट इन्फॉर्मेशन। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, जो स्टैंडर्ड वाली रिमोट इन्फॉर्मेशन है उसकी अगर वो है आपके ड्रोन में तो आप ड्रोन कहीं भी उड़ा सकते हैं, मतलब कहीं भी, मतलब कहीं भी रात को भी उड़ा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट हो जाएगी, तो आप खुद ही नहीं चाहेंगे कि ऐसी जगह पे ना उड़ाया जाए जहां पर आपको पकड़ा जाए। तो जो स्टैंडर्ड वाला है वो आपको ज़्यादा कैपेबल बनाता है, आपकी ड्रोन की सिक्योरिटी बढ़ाता है आपके लिहाज से भी और औरों के लिहाज से भी, इसलिए वो थोड़ी महंगी टेक्नोलॉजी होगी। सेकेंड नंबर की जो टेक्नोलॉजी होगी वो है लिमिटेड, उसमें सिर्फ सेंटर से कम्युनिकेशन होगा ड्रोन का थ्रू इंटरनेट, उसमें ब्रॉडकास्ट नहीं होगा। पर इसमें कंडीशन ये लग जाएगी कि उस ड्रोन में, जिस ड्रोन में लिमिटेड कैपेबिलिटी है उसको आप 400 फीट से ऊपर नहीं उड़ा पाएंगे। ये नया रूल जो वो अमेरिकन लगाने वाले हैं, अमेरिकन एजेंसी FAA लगाने वाली है। पहले वाले में कोई लिमिट नहीं होगी क्योंकि पहले वाला आइडेंटिफाई हो सकता है और ब्रॉडकास्ट भी होगा, तो वो उसमें कोई लिमिट्स उन्होंने नहीं लगाई हैं, क्योंकि अगर उसमें बंदे की खुद की अकल लगेगी, अगर बंदा वो अकल को साइड पर रख के लिमिट्स को क्रॉस करता है तो वो ड्रोन ब्रॉडकास्ट करेगा सब कुछ और वो खुद फंस जाएगा, तो इसलिए वो खुद ही समझदारी से काम लेंगे। तो इसलिए जो पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड रिमोट आइडेंटिफिकेशन जिस ड्रोन में होगी उस ड्रोन में कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि मालिक को पता है कि इस ड्रोन ने सब कुछ ब्रॉडकास्ट कर देना है तो वो खुद ही उसको अच्छे से उड़ाएगा। नंबर टू जो मैंने ऑप्शन बताया लिमिटेड रिमोट वाली, वो जिस ड्रोन में होगी उसको 400 फीट से ऊपर अलाउ नहीं किया जाएगा, तो डेफिनेटली उसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तीसरा है जो हाईली रिस्ट्रिक्शन वाला ऑप्शन है जिसमें कोई भी रिमोट आईडी नहीं है ड्रोन के अंदर, आफ्टर दिस रूल इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर कोई भी रिमोट आईडी का ऑप्शन नहीं है आपके ड्रोन में, तब आप सिर्फ वही एरिया में ड्रोन उड़ा सकते हैं जो कि FAA ने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि यहाँ पर आप इतनी लिमिट तक ड्रोन उड़ा सकते हैं, तो ये तीसरा ऑप्शन होगा। तो इस तरह से मेनली फोकस है रिमोट आईडीज पे, जो पहले मैंने दो ऑप्शन बताई हैं। अब महंगे कैसे होंगे ड्रोन, क्योंकि ये जो ऑप्शन हैं दोनों, चाहे लिमिटेड वाला चाहे स्टैंडर्ड वाला, स्टैंडर्ड वाले पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, जब ये ऑप्शन लागू होगी तो डेफिनेटली ड्रोन्स महंगे हो जाएंगे। अब वो चीज़ इंडिया में यूज़ होती है कि नहीं होती, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है अमेरिका के लिए, अमेरिका ने ये सब कुछ इम्प्लीमेंट करने वाला है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ बट उन्होंने बोल दिया कि हमें अपने सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए ड्रोन फ्लाइंग के हिसाब से, मतलब वो सेफली उड़े हेलीकॉप्टर्स वगैरह, मतलब क्योंकि स्काई में जहाज भी चलते हैं, तो ये सारा कुछ जो है उनको सेफ रखने के लिए, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ये रिमोट आईडी वाला ऑप्शन निकाला है, जिसकी वजह से ड्रोन महंगे डेफिनेटली होंगे और ये इम्प्लीमेंट ज़रूर होगा। और जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया में पहले ही महंगे ड्रोन मिलते हैं, अब जब बाहर ही रेट बढ़ जाएगा तो इंडिया में और महंगे हो जाएंगे, तो एक तरह से ये बैड न्यूज़ है ड्रोन लवर्स के लिए जो कि इंडिया में DJI के ड्रोन्स लेते हैं, पहले ही महंगे लेते हैं, जब ये टेक्नोलॉजी उनमें डाल दी उन्होंने तो और महंगे हो जाएंगे, और वो टेक्नोलॉजी का हमें कोई यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो रिमोट आईडी सब उनके सेंटर्स के हिसाब से बनेंगे, ब्रॉडकास्ट वगैरह जो भी ऑप्शन उसमें होगी वो सब अमेरिका FAA के हिसाब से होगी, उसमें इंडिया का कुछ लेना देना नहीं है। इंडिया को क्या मिलेगा, महंगा ड्रोन और महंगा। तो ये एक अपडेट थी, बहुत ही चर्चित विषय है बाहर की तरफ, इंडिया में मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया रिमोट आईडी के बारे में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, और कुछ पॉइंट अगर मैंने मिस कर दिया है, वैसे तो मैंने पूरा डिटेल में आपको बताया कि रिमोट आईडी क्या है, तो उससे बेसिकली हमारे लिए क्या है, हमारे लिए तो ये ड्रोन महंगे करेगा लेकिन वैसे बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है सेफली ड्रोन उड़ाने के लिए। तो कमेंट बॉक्स में लिखें, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और आपके क्या विचार है रिमोट आईडी को लेकर तो प्लीज़ ज़रूर लिखें। तो ड्रोन होने वाले हैं महंगे आने वाले सालों में, 1-2 साल में ये इम्प्लीमेंट हो जाने वाला है। तो अब यही जो अपडेट थी मैंने आपको दी, काफ़ी दिनों हो गए ड्रोन्स पे कोई अपडेट नहीं आया था तगड़ा सा, ये बहुत ही धमाकेदार आया, इससे DJI भी उड़ा हुआ है, DJI के होश उड़े हुए हैं क्योंकि
जब ऐसी कुछ महंगी चीज उनको लगानी पड़ेगी, उनके सारे प्रॉफिट्स वगैरह सब कुछ हिल जाएगा। जो बैलेंस है वो लॉन्च करने वाले थे नया ड्रोन, बीच में ये रूलिंग आ गई है, तो प्रॉब्लम तो हो रहा है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, जो भी नया अपडेट होगा आई विल अपडेट यू। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए चैनल पे तो प्लीज़ कमेंट में, अगर आप नए चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये है तीन तरह के ऑप्शंस, थ्री वेज ऑफ रिमोट आइडेंटिफिकेशन। पहला है स्टैंडर्ड, जिसमें ब्रॉडकास्ट भी होगा और इंटरनेट से भी बताया जाएगा। दूसरा है लिमिटेड, और तीसरा है जिसमें कोई भी आपने ऑप्शन नहीं लगाया।